हाय दोस्तों, मैं हूं दीपक 91mobiles के साथ और मैं आपको देने जा रहा हूं एक छोटा सा कंपैरिजन Xiaomi के नए बजट स्मार्टफोन्स के साथ। मेरे हाथ में है Redmi 6A और Redmi 6। ये दोनों अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स हैं जो आज ही Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च किए हैं। आप देखेंगे कि ये दोनों फ़ोन सामने से एकदम एक जैसे दिखते हैं, जिसका कारण है कि दोनों ही फ़ोन्स में 5.4 इंच HD+ डिस्प्ले है 18:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ। बिल्ड क्वालिटी भी दोनों फ़ोन्स की काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि ये फ़ोन बने हैं प्लास्टिक के और पीछे डिज़ाइन में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि Redmi 6 में है फिंगरप्रिंट स्कैनर जो 6A में नहीं है। और दूसरा मेन डिफरेंस जो एक्सटर्नली इन दोनों फ़ोन में है वो ये कि Redmi 6A में है सिंगल 13 मेगापिक्सल कैमरा फ्लैश के साथ, जबकि Redmi 6 में है डुअल कैमरा जो 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल सेंसर्स का उपयोग करता है। इसमें जो फ्लैश है वो कैमरा के राइट साइड पे दी गई है। ये डिफरेंसेस छोड़ के एक्सटर्नली डिज़ाइन वाइज ये दोनों फ़ोन्स काफ़ी सिमिलर हैं। अब बात करें हम सेल्फ़ी कैमराज़ की, तो वो भी इन दोनों फ़ोन में सेम है 5 मेगापिक्सल, बट कोर स्पेक्स में काफ़ी अंतर है, क्योंकि Redmi 6A के अंदर आपको मिलेगा MediaTek का हीलियो A22 प्रोसेसर और Redmi 6 में आपको मिलेगा MediaTek का ही हीलियो P22 प्रोसेसर। रैम में भी काफ़ी अंतर है, क्योंकि Redmi 6A में है 2GB रैम, जबकि Redmi 6 में आपको मिलेगी 3GB रैम। अब बात की जाए अगर स्टोरेज वेरिएंट्स की, तो उन दोनों में भी काफ़ी अंतर है। Redmi 6A के साथ आपको मिलेगी 16GB या 32GB, जबकि 6 के साथ आपको मिलेगी 32GB या 64GB। दोनों फ़ोन्स में 3000mAh बैटरी सेम है, दोनों ही फ़ोन्स डुअल सिम हैं, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, माइक्रो USB पोर्ट है, 3.5mm हेडसेट सॉकेट है। अब बात की जाए अगर प्राइसिंग की, तो Redmi 6A का 2GB रैम वाला 16GB वेरिएंट आपको मिलेगा 5999 में। ध्यान रखिए ये इनॉग्रल प्राइस है और 2 महीने बाद कंपनी इस प्राइस को बढ़ा भी सकती है। तो 2GB रैम, 16GB स्टोरेज 5999 और 32GB स्टोरेज के साथ 6999। अब बात करें अगर हम Redmi 6 की, तो इसका 3GB रैम 32GB वाला स्टोरेज वेरिएंट आपको मिलेगा 7999 में और 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 9499 रुपये में। तो ये दोस्तों एक कंपैरिजन था Xiaomi के Redmi 6A और Redmi 6 के बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।